जो बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो आज है दिन फ्राइडे और ये फ्राइडे की मॉर्निंग का ही वीडियो है। तो आज ब्रेकफास्ट में गाइस ये सुरभि की डिमांड पर खिचड़ी बना दी है। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ किचन टिप्स भी दूंगी, कुछ स्किन टिप्स भी दूंगी। तो आप मेरी आज की वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे गाइस ये अरहर की दाल है, जो कि मैं साथ के साथ अरहर की दाल भी चढ़ा दूंगी। तो यहाँ पे हमारे अभी पानी आ गया, सुबह जो आता है हमारे चंबल का पानी, तो वो चल रहा है। तो वो मैं यहाँ पे मैंने दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। तो गाइस दाल को हमें अच्छी तरह से ही वॉश करना चाहिए, ये कम से कम 2-3 बार इसका पानी निकाल देना चाहिए, जो वाइट पानी निकलता है। ये देखिए गाइस इस तरह से निकाल दूँगी। और यहाँ पे कुकर में मैंने दाल चढ़ा दी है गाइस। और ये जो दाल में जो झाग आ जाते हैं गाइस, इसको निकालना कभी ना भूलें। ये वैसे मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ आपको, लेकिन ये ज़रूर निकाला कीजिए, क्योंकि पहले जो हमारी जो बुज़ुर्ग लोग जो निकालते थे वो सही निकालते थे, लेकिन आज की भागा दौड़ी की लाइफ में गाइस लड़कियाँ और जो आज की जनरेशन नहीं निकालते हैं। लेकिन आज भी जो पुरानी हमारी सास हैं, मम्मी हैं, वो सब निकालती हैं। लेकिन हम लोग क्या होता है कि जल्दबाजी में क्या करते हैं, कुकर चढ़ाया, दाल डाली और उसी में सारे मसाले ऐड कर दिए और सीटी लगा दी। तो लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होता है गाइस। झाग निकल जाते हैं तो कुछ ना कुछ इसका भी होता होगा, तभी तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जो निकालते थे झाग। तो यहाँ पे गाइस मैं पूरा किचन काउंटर मैंने साफ़ कर दिया है। तो जब भी गाइस काम करें तो किचन काउंटर हमारा जब एकदम क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ पे सुरभि है ना, सुबह दूध नहीं पी गई थी अपना, क्योंकि वो जल्दी के मैंने दे दिया था उसे, लेकिन जल्दी जल्दी में वो चली गई स्कूल, तो नहीं पी के गई। तो वो यहाँ पे उसका दूध रखा हुआ है। तो कहने का मतलब यही था कि अपना किचन काउंटर एकदम क्लीन होना चाहिए गाइस। तो उससे तो गाइज़ ये किचन हमारा क्लीन होगा ना, तो गाइज़ अपने आप में भी किचन में काम करने का मन लगेगा। और हमें जो भी हम किचन का काम करेंगे, खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो उसमें हमारा मन लगेगा। तो किचन काउंटर एकदम साफ़ होना चाहिए। और जब भी हम रोटी बनाएं या तो गैस को ज़रूर साफ़ अच्छी तरह से कर लें। जी क्लीन गैस होती है तो गाइज़ काफ़ी अच्छा लगता है। और इधर मैं क्या कहते हैं, ये नल अभी हमारे आ रहे हैं, तो गाइस पानी भी अच्छी तरह से आ रहा है। तो मैं गाइस जब भी बर्तन मांजती हूँ तो ये अपनी जो सिंक है गाइस, मेरी तो पत्थर की सिंक है, तो मैं तो डेली ही साफ़ करती हूँ गाइस। जितनी बार झूठे बर्तन मांजती हैं उतनी बार ही मैं सिंक को साफ़ करती हूँ, क्योंकि जो बर्तन हम झूठे सिंक में डालते हैं तो सिंक भी तो हमारी झूठी मानी जाती है, तो उसको भी हमें साफ़ करना चाहिए। तो यहाँ पर मॉर्निंग में गाइस ये मैं पूरा ये साफ़ कर लूँगी, जो भी हमारे सिंक का एरिया है, नल का एरिया है, ये पूरा मैं साफ़ कर लूँगी। तो एक मैं सुबह साफ़ कर लेती हूँ, एक नाइट में सोते समय साफ़ करती हूँ, जब भी जब गैस वो किचन बंद करती हूँ तो जब मैं ज़रूर करती हूँ। तो इस तरह से ये हमारी सिंक है ना बिल्कुल साफ़ रहती है। और वैसे भी गाइस कि गंदगी होगी नहीं, तो मच्छर वगैरह ये सब नहीं होंगे। और दूसरी बात ये है गाइस कि किचन हमारा साफ़ रहेगा तो उससे हमें ना लक्ष्मी माँ हमारे घर में विराजमान रहेंगी। तो हमें तो गाइस सुबह मॉर्निंग की तो आप देख सकते हैं कितनी भागा दौड़ी ही रहती है। तो यहाँ पे मैं किचन में भी देख रही हूँ, और इधर मेरे कपड़े हैं ना, मैंने ये वॉशिंग मशीन में वॉश हो गए हैं, तो वो कपड़े मैं निकाल दूँगी। पानी अभी आ रहा है। तो गाइस ये टप है ना गाइस, ये तो मैं इसमें कपड़े भी खंगाल देती हूँ, लेकिन फिर मैं इसे मांजती हूँ गाइस, डेली मैं मांजती हूँ। ये है मेरे अंदर की जो भी हमारे बर्तन यूज़ करने वाले हैं वो हमें साफ़ करने चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये सारे जो कपड़े हैं ना वो निकाल दूँगी, क्योंकि सब लोग नहा लिए हैं, तो ये कपड़े मैं निकाल दूँगी। तो ये जी थर्सडे की मेरी साड़ी थी, तो मैं थर्सडे को धोती नहीं हूँ ना कपड़े, तो ये थर्सडे के ही कपड़े हैं, तो वो वॉशिंग में पड़े हुए थे, तो वही मैं निकाल दूँगी। और लबसुर भी नहा के चले गए हैं, तो वो इसमें ही डाल गए हैं, तो वही कपड़े मैं सब निकाल दिए। पानी आ रहा है, तो यहाँ पर अच्छी तरह से पानी, जब पानी अच्छी तरह से आता है गाइस तो अच्छी तरह सुबह निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह मॉर्निंग में ही कपड़े ये निकल जाते हैं, तो मेरे नहाने से पहले ये कपड़े निकल जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, फिर बात का काम नहीं रहता है। तो इस तरह से गाइस जो ये काम ऐसे हैं कि अगर हम नहाने से पहले अगर हो जाते हैं तो नहाने के बाद इतना काम नहीं होता, क्योंकि नहाने के बाद हमारी पूजा हो जाती है काफ़ी, तो फिर अपना लंच वगैरह बनाना होता, भोग बनाना होता, तो काम
पहले से ही होता है, तो मैं सोचती हूँ जो काम बाद के काम है ये पहले हो जाए नहाने से पहले। तो ये सारे कपड़े मैं टांग दूंगी गाइस, और यहाँ पे मैं इस तरह से हैंगरों में कपड़े टांग देती हूँ। उससे ये होता है गाइस कि सारे कपड़े मेरे सूख भी जाते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि मैं नीचे ही कपड़े डालती हूँ, क्योंकि ऊपर ऊपर भी हमारी जगह काफ़ी है गाइस, लेकिन मेरे वही जाने का रहता है कि मेरे को जाना फिर लेके आना, तो वही मेरे से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे गाइस मैं इस तरह से हैंगरों में कपड़े डाल देती हूँ और आराम से शाम तक गाइस सूख जाते हैं। और जब अभी बरसात है मॉइस्चर होता है तो मैं कभी रूम में भी टांग देती हूँ, तो आपने देखा होगा मेरे वीडियो में। तो देखिए गाइस ये किचन हमारी एकदम क्लीन हो गई और दाल मेरी बॉयल हो गई है, और मैंने दूसरे बर्तन में रख दी, कुकर को भी मान दिया। तो इस तरह से ये काम जब नहाने से पहले ये सारा काम हो गया गाइस, तो अब मेरे को केवल नहा के मैं इस किचन में ठाकुर जी का भोग बनाऊंगी। इस तरह से अपनी किचन में छोड़ देती हूँ। तो और इसके बाद गाइस मुझे काफ़ी थकान भी होने लगी थी, काफ़ी थक रही थी, क्योंकि लगातार जब से उठे थे तब से लगातार लग रहे थे, बैठे हुए थे, बैठे नहीं थे। तो यहाँ पे मैं अब रूम में आई थी तो मैं यहाँ बैठ गई थी और मैंने यहाँ पे सादा पानी पिया था। तो गाइस मैं पानी सादा पीती हूँ क्योंकि सादा पानी मुझे ज़्यादा फ़ायदा करता है। मैंने गर्म पानी भी पिया है, मुझे वो गर्म पानी सूट नहीं करता है, तो मैं खाली सादा पानी पीती हूँ। और मैं नहाने जाती हूँ, उस नहाने जाती हूँ गाइस, तब तक मैं 2 ग्लास पानी पी लेती हूँ। एक तो मैं सुबेरे मॉर्निंग में ही उठकर पी लेती हूँ, और एक है ना जब नहाने जाऊँगी जब ज़रूर पीऊँगी। तो पानी पीते रहो तो ज़्यादा बढ़िया है गाइस। तो यहाँ पे गाइस इसके बाद मैंने रूम को क्लीन, तो मेरा सुबह क्लीनिंग तो हो जाती है गाइस। ये बेडशीट तो फिर ये सब लोग चले गए थे ना, तो ये मैंने बेडशीट फिर चेंज कर दी थी। और यहाँ पे अभी गाइस मैं गीली बहुत हो रही हूँ, तो देखिए गाइस कितनी गीली भी हो रही हूँ, क्योंकि इस बीच में इतना काम करते करते हो जाते हैं कितना भी करो। तो यहाँ पे ये सारे कपड़े मैं जो बैग थी ना ऊपर रख दूंगी, और इसके बाद फिर दोबारा से मैं कमरे में झाड़ू करूंगी, फिर पोछा करूंगी। तो झाड़ू पोछा मेरा सुबेरे उठते ही मैं कर देती हूँ, लेकिन जब लवसुरी चले जाते हैं, मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, तब फिर से मैं कर देती हूँ। तो अभी मेरे हस्बैंड है ना अभी अभी वो लौट कर फिर आएंगे, तो उसके बाद मैं तब तक मैं सोच रही हूँ कि ये काम कर लूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड लौट के आ चुके हैं, तो मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना बना दिया, बन ही गया था गाइस। तो यहाँ पे बोले मुझे खिचड़ी दे दे और रायता बना दे, तो यहाँ पे मैंने उनके लिए खिचड़ी दे दी और रायता उन्हीं के लायक बनाया था मैंने। तो गाइस वो है ना छाछ, मतलब ये बूंदी वाला, ये उनको अच्छा भी लगता है, और वो बस इसी को ही इनका लंच भी यही है, ब्रेकफास्ट भी उनका यही होगा, और उनके लिए काफ़ी है वो। और इसके बाद मैं नहा के आ गई थी गाइस, और नहाने के बाद यहाँ पे मैं पहन रही हूँ अपनी साड़ी गाइस, और ये साड़ी काफ़ी हल्की है गाइस, काफ़ी कम्फर्टेबल है। और मतलब अब गाइस भारी साड़ी है ना नहीं पहनी जाती, थोड़ी सी भी भारी साड़ी होती है वो पहनी नहीं जाती है, तो यहाँ पे काफ़ी हल्की साड़ी है गाइस। और बस यही रहता है सुबह मॉर्निंग में गाइस मैं गाउन पहन लेती हूँ नहा के निकलती हूँ, तो क्योंकि साड़ी पहनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि पिन विन लगाओ तो काफ़ी देर भी लगती है, तो इतना टाइम कहाँ हो पाता है गाइस, क्योंकि सब जल्दी ही पड़ती है, क्योंकि मेरा वैसे इतनी जल्दी नहीं होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मम्मी पापा का लंच ले जाना होता है। उसके बाद गाइस मेरे को अपने पार्लर की रहती है, क्योंकि अगर मेरे पार्लर कस्टमर आ जाते हैं बीच में तो फिर मेरे जो काम होते हैं फिर वो रुक जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सोचती हूँ कि जितनी जल्दी मॉर्निंग में काम हो जाए अपना उतना ही, सबसे बड़ी बात ये थी मेरी पूजा हो जाए तो समझो सारा काम हो गया। तो यहाँ पर इसके बाद मैं ठाकुर जी की पूजा करूँगी, तो पूजा वो करनी तो मुझे ही है गाइस, तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे ठाकुर जी भी ना रह जाएं, क्योंकि गृहस्थी का ये जंजाल तो लगा ही है, वो तो हमें करना ही करना है। बाकी अपने ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जितना हम पे बन सके उतना तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम अपने घर में सभी मेम्बरों का ध्यान रखते हैं, तो उस तरह से हमें ठाकुर जी का भी ध्यान रखना चाहिए। हम ज़्यादा नहीं रख सके, जितना हमें हम पे बन सके हमें उतना तो ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले जा रही पूजा के बर्तन, और इसके बाद पूजा के बर्तन भी मांज दूँगी, भगवान जी को भी निला दिया है मैंने, और यहाँ पे इसके बाद मैं कर दूँगी पूजा, क्योंकि पूजा तो गाइज मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो फिर यहाँ पे और ये देखिए गाइज जल्दी जल्दी में मैंने ये सार पल्लू भी मैंने उल्टा ही ओढ़ लिया है, बस ऐसे ही होता है गृहस्थी में। उसके बाद गाइस मैं जब पार्लर में गई थी ना, तो जब मैंने देखा कि शीशे के सामने ये पल्लू मेरा उल्टा है, तब तो यहाँ पे मैं ठाकुर जी के, देखिए गाइस बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं, और यहाँ मैं फिर ठाकुर जी का दीपक रख दूँगी, और इस तरह से बस पूजा भगवान जी की हो जाती है। तो और मैंने यहाँ पे भोग भी बना दिया है गाइस ठाकुर जी का,
और इसके बाद गाइस फिर मैंने अपने लिए भी बना लिया था, तो बच्चों के लिए भी बना लिया। अरे यार कितना पिट पिट कर रही है। सॉरी, ये यहाँ से ये इसकी ये मुझे सही करनी है। अभी अभी चैन वाला आया तो था, अभी आया था मुझे चैन तो सही। अरे मैं ऊपर अपने लिए सोचने तो सही है। अरे नहीं, बग डार्केस्ट पैच डार्क ब्लू कलर है। थोड़ी थोड़ी प्रेस रियल में इतना अच्छा लग रहा है ना, ये ना कैमरे में बहुत लाइट दिख रहा है, ये रियल में मस्त लग रहा है। इसकी आज है ना प्रेस कर लेंगे इसकी। और है ना अभी मैं कपड़े गाइस सब जो कुछ ले जाना गाइस मैं यहाँ पटक दे रही हूँ ताकि याद रहे, और उस वाले बैग में ना सारा, और तुम लोग है ना अपने कपड़े निकाल के यहाँ डाल दो, मैं उन्हें अपने हिसाब से जितने भी कपड़े ले जाने हैं। अभी लव सुरभी के मैंने गाइस अलमारी में निकाल निकाल के रख दी है, बैग में पैकिंग नहीं की है अभी मैंने अपनी। तो वो क्या है इसमें? नहीं उसमें ना भैया की एक जोड़ी है तेरे तो हम तो अपने कपड़े में अपने हम तो अपने बैग में रखेंगे ना। नहीं इसमें डेडू के पैक कर दिए मैंने। तो गाइज पैकिंग लगभग हो चुकी है, और सबसे ज़्यादा हेडेक होती है पैकिंग की गाइज, और आज वो लव को कुछ दिलवाने ले गए हैं, और हम लोगों को तो कुछ नहीं चाहिए गाइज में, हमारे पास तो है, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए। सुरभि बोल रही है कि मुझे ना कुछ दिलवा दो, कोई ड्रेस दिलवा दो। अब मैंने देखी दीना वो ड्रेस तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, येलो वाली से भी अच्छी मंगा देंगे, वो इतनी अच्छी नहीं है येलो वाली, और मंगा देंगे वहाँ से लौट के मंगा देंगे, तसल्ली से मंगा देंगे, ज़्यादा पैकिंग करने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गाइस शायद ज़्यादा दिन के लिए तो कोई जा नहीं रहा, हो सकता है 2 दिन या 3 दिन इतना ही हो पाएगा, 1 दिन तो जाने आने का ही हो जाएगा है, बाकी का देखते हैं गाइस। तो गाइस मैं करने जा रही हूँ ब्लीच, तो यहाँ पे जिन लोगों को ब्लीच करने मैं काफ़ी जलन होती है, काफ़ी प्रॉब्लम फेस पे हो जाती है, दाने रैशेज हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं गाइस कि अपने फेस पे मसाज ज़रूर करें और फेस को अच्छी तरह से वॉश करें, उसके बाद ही आप ब्लीच को अप्लाई करें, इसके बाद आपके फेस पे जो छोटी मोटी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी।